जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं। ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि आप पहले सबसे पहले तस्वीर में देख सकते हैं कि हम इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर के अंदर मौजूद हैं, और जो आप गेट देख रहे हैं इसी गेट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है वो बिहार विधानसभा पहुँचता है। वहीं आप दूसरे तरफ देख सकते हैं कि दूसरे तरफ से जितने भी विधायक और विधान पार्षद के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं उनका जो गाड़ी होता है इसी रास्ते से आता है। पर आप तस्वीर में देखिए कि किस तरह से जब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का गाड़ी यहां पर पहुंचा, उस वक्त कुछ ही मिनटों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंचा था, उस वजह से उनकी जो गाड़ी थी वो रोक दी गई थी। उसके बाद मंत्री जीवेश मिश्रा काफ़ी ज़्यादा पुलिस कर्मियों पे गुस्सा हो गया और उन्होंने यह तक कह दिया कि मंत्रियों की गाड़ी रोकने का अधिकार किसे है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा वो बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के बीच भी नहीं जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जीवेश मिश्रा, पहले आप वो सुने। खड़ा करते हैं, जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं यहाँ पर। ये अधिकारी है यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। कौन रोका था, किसने रोका था? सर सर, हम लोग कौन सर थे? कौन कौन सर थे? सर थे बताइए, क्या बोले? बोले कुछ नहीं, सर नहीं ध्यान दिए। कौन है, नाम बताइए, प्रभारी कौन है? हां सर, रोक दिया है इधर से, अब कोई बात नहीं है। वो तो बोले कि एसपी और डीएम, एसपी और डीएम की वजह से रोका गया है। जैसे प्रोटोकॉल सर रहता है, सीएम साहब के साथ गाड़ी चलती है सर, तो साथ में थे सर, रोक दिए सर। अच्छा, वो सीएम का कार्केट जा रहा था, उसी के पीछे सर साहब भी था। अरे क्या ध्यान नहीं दिया सर, मंत्री जो गुस्सा आ गया कि मेरा गाड़ी नीचे करो सर, सर ध्यान नहीं दिया सीएम साहब, सुन भी अच्छा कर रहा है सीएम कार्केट साथ, सीएम साहब के साथ उसमें सर भी चला गया था। अब सर अफसर हो तो थोड़ा सा सर तो देखेंगे ना, साथ में सीएम साहब का कार्केट जा रहा है। सीएम साहब का कार्केट तो पहले ही जा चुका है, साथ ही था सर पीछे सर। नहीं नहीं, हम तो देखेंगे दो मिनट पहले ही, तो अफसर उसी कारण सर रोके हैं। ठीक, तो आपने जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान सुना, वहीं दूसरे तरफ जो पुलिसकर्मी यहां पे मौजूद थे उनका भी हम सुनते। क्या कुछ मामला घटा था सर यहां पर? सीएम साहब का गाड़ी पास किया तो साथ ही कारकेट रहता है, तो वह कारकेट का एसपी साहब ही रहते हैं, तो वह कारकेट हम लोग उसको पास करवा रहे थे, तब तक आ गया, तब पास हुआ तुरंत उनको हम लोग अथिये कर दिए, मैंने छोड़िए दिए। अब इधर से भी गाड़ी आती, इधर से आती, टकरा जाती दोनों, पहले से उसको हम लोग पास करा रहे थे रोक के, इतना ही में उतर के लगे। अब आप ही पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए? हाँ, जो हम लोग सरकार हैं ही हैं, कैसे हमारा गाड़ी रोक दिए, तो अभी उधर पास करवा देते तब ना, पहले से सीएम साहब को पास करवाना है। तो आपने जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान सुना, वहीं आपने दूसरे तरफ जो पुलिस पदाधिकारी यहां पे मौजूद थे उनका भी बयान सुना। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कह दिया है कि जब तक इन पुलिस अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। भराला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।